ओके सर, जिस तरीके से 31st नाइट को जो लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली मैंने न्यूज़ देखी और ये काफ़ी मीन्स जो कुछ भी हुआ है बहुत ही घटिया हुआ है इन शॉर्ट. और देखा जाए 31st एंजॉय करने का ये कोई तरीका नहीं है. इट इज़ वेरी रॉन्ग. कल आपके बहन के साथ ये होता तो आप चुप रहते? आप नहीं चुप रहते. तो हर महिला को सोचिए, या तो मेरी माँ होगी, मेरी बहन होगी. इंसान को सोचना चाहिए, वो किसी के भी भाई है, बहन है. तो कहूँगी कि ऑब्वियसली गलत तो है ही. जो भी अभी गर्ल्स के साथ में अभी और भी अपने पहले के भी जितने भी केसेस सुने, एवरीथिंग इज रॉन्ग. I think it's completely disgusting. So it's disgusting. It's really, really bad. Everyone thinks that girls should not party, stay home and all. Even my mother personally thinks that if you want to go out for parties and all, go after marriage. अगर वीडियो में उस बंदे का चेहरा आता है तो ऐसे बंदों को पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को पता है कि करना क्या है ऐसे बंदों के साथ. देखिए, जो बेंगलोर में हुआ ना, वो मेरे हिसाब से जितनी उसकी बुराई कर इतना शर्मनाक कह सकते, बहुत बेकार हरकत हुई है. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द गर्ल्स. फीलिंग रियली बैड कि ये जो भी चीज़ हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी. पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो जिस प्रकार से ये शर्मनाक घटना हो रही है, इस पर कानून को सख्त होना चाहिए. सब बस वीडियो डाल देते यूट्यूब के ऊपर कि रिस्पेक्ट द गर्ल, बट लेकिन हम खुद से नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं हम दूसरों से रिस्पेक्ट करवाएं, लेकिन जब बारी हमारी आती है हम लोग बस उसका अपोजिट करते हैं. आई मीन फ्रेंकली इट्स अ हॉरिबल थिंग दैट हैज हैपेंड. सिंपल सा मैटर है भैया कि गलत है, बहुत गलत है. यू गाइस शुड नॉट बी सो डेस्परेट फॉर सेक्स. यू गाइस विल गेट इट, जस्ट स्टे फॉर इट. And don't be so desperate to just catch each and every girl. To like, I want to have sex. Just wait. Get married. आपको मिलेगा सब. रुको. Seriously, रुको. क्यों? Why are you guys so desperate to do this? Like, calm down. Do it with your girlfriend. Do it with anyone. But don't rape. Just get it in your mind. अभी इस point पे यहाँ पर हम ये बातें कर रहे हैं, तो ये this is the shameful thing for us. कि अभी तक हम लोग वहीं पर ही हैं कि गर्ल्स के साथ में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो नॉट द पॉइंट. और 31st यार एंजॉय कर रहे हैं तो करो ना, लेकिन ये जो हरकतें की हैं ये देश क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होती हैं. भी कांडो हमारे इसमें 31st की नाइट एक लड़की अपनी आज़ादी से अपना इंडिपेंडेंस के नया साल मना के आ रही है, आधी रात में लड़की उसको रोक रहे. मतलब एक बार सोचती भी नहीं, अगर उनकी घर की माँ बहन होती उनके साथ क्या हो सकता था ऐसा. नेक्स्ट टाइम लड़कियों के छोटे कपड़े देख के या लड़कियों को अलग अंदाज से एंजॉय करते समय तुम ये मत सोचो कि वो क्या सोच रही है. तुम ये सोचो कि तुम्हारे अंदर की जो गंदगी है उसे निकाल फेंको, फिर लड़कियों को देखो तो वो कुछ अलग ही अंदाज से दिखेंगी. तो कानून सख्त होना चाहिए. हमारे जो देश के नेता जो उल्टी सीधी बयान करते हैं इस पक्ष में, उनको चेंजिंग लाना चाहिए अपने सोच में, कि अगर वहाँ पर उनकी बहन या उनकी बेटी होती तो क्या वो वही बयान देते. जो ऐसे बंदो खड़े होके ये तमाशा देख रहे, इससे अच्छा जाके बीच में कुछ लड़कियों का हेल्प करो. अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो 100 नंबर है, पुलिस का नंबर है, वो डायल करके पुलिस को, आप कम से कम पुलिस को तो बुला सकते हो. एंड दैट लेडी शुड हैव किक्ड हिम इन द ग्रोइन. इफ आई वाज देयर आई वुड हैव गिवन सच सॉलिड किक. आउट फॉर लेट नाइट पार्टीज, डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर लेट नाइट पार्टीज, लेट द गर्ल्स ऑल्सो और द इवन दे शुड बी प्रिपेयर्ड. इफ सच अनटॉवर्ड इंसिडेंसेस अकर, देन दे शुड बी एबल टू फाइट बैक एंड दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. तो जो ये चीज़ें हो रही है उसको मतलब स्टॉप करने के लिए अल्टीमेटली फीमेल्स को आगे बढ़ना पड़ेगा. कैसा हरकतें हो रही, लोगों की सोच इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद इंसान ऐसे काम कर रहे हैं कि अब कहने के लिए वर्ड्स नहीं बचने मेरे पास. और हमारे जो कोई पॉलिटिशियन उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा कि लड़की कपड़ों से नहीं, लोगों की सोच में प्रॉब्लम है. कोई लड़की अपना पेट पालने के लिए रात को बाहर निकलती है, जॉब करती है, कॉल सेंटर में काम करती है, उससे भी आप लोग को तकलीफ है. आप वेट करें कि मेरे घर वालों को भी छेड़े, मेरे पत्नी को भी छेड़े, मेरी बहन को छेड़े, तब आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे. तो लोगों का ये सोचना है कि हमें क्या करना, हमारे घर को तो कोई है नहीं. यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम चाहते हैं कि दूसरे सुधरे और हम उसका बस हिस्सा बने. जहाँ पे भी आसपास में जो लोग खड़े होते हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि इस स्थान पर, इस जगह पर उनकी बहन बेटी या उनका कोई भी रिलेटिव होता तो वो क्या करते. क्या वो वहीं चुपचाप खड़े रहते, वो वहीं बैठे रहते, वहीं वो तमाशा देखते रहते? नहीं देखते, वो दौड़ते. तो ये चीज़ उनको हर एक इंडियंस के लिए करनी चाहिए जिनके सामने ऐसी मतलब सिचुएशन आती है. जो हादसा वो बहुत शर्मनाक हुआ, मैं यही कहना चाहूँगा. और वो जो पॉलिटिशियन है वो क्या बोल रहे हैं? अगर उनके बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो वो ऐसा बोलते हैं? नहीं, कभी नहीं बोलते.
कौन से लॉ में लिखा है कि लड़कियां रात को बाहर नहीं निकल सकती, कौन से लॉ में लिखा है कि लड़कियां आधी छोटे कपड़े नहीं पहन सकती है? एकदम रिमोट गांव में ये चीज होती नहीं है, होती है। बट सबसे पहले तो मैं अपना स्टेप फॉलो करता, मैं जाके उन्हें समझाता, अगर वो नहीं समझते तो ठीक है भाई। उसके बाद हमारी कानून है, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे साथ और भी यंगस्टर्स हैं जो ऐसी फालतू चीज़ें नहीं करती, बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के भी हैं जो अच्छे सोच रखते हैं लड़कियों को लेके। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं सोचा कि लड़कियाँ ऐसी क्यों रहती, हमें खुद को चेंज करना है, ना ही दूसरे को सिखाना है कि भाई तू चेंज हो। Sister, or whatever the people who are standing there, and if something is happening to your sister in front of your eyes, wouldn't you stop them and like say something against them? Like you're just standing there and waiting for like as if it's a movie going on. Like get a life and help them and help people. It will make you feel better when you help them. और जो भी लोगों ने जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको क्या कहना चाहिए? जिन लोगों ने ऐसा किया है मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान को अपने कर्म के हिसाब से सब कुछ भुगतना है। या डेफिनेटली देखो मैं तो लड़ नहीं सकता उनसे, लेकिन हाँ मैं पुलिस केस कर सकता था और ऑन द स्पॉट मैं पुलिस को वहाँ पे बुला सकता था और वो सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसको खत्म कर सकता था। इंशा अगर एक लड़की आगे बढ़ेगी तो 100 लड़कियों को ये चीज़ एक करेज मिलेगा कि वो लोग भी आगे बढ़े, अपना सेल्फ डिफेंस करें। इसी तरह से धीरे धीरे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर ऐसे लोग अगर देश में, अगर मुझे मौका मिला अगर मैं वहाँ होता तो कसम से जूते चप्पल से मारने चाहिए इन लोगों को पकड़ के और उनको उल्टा लटकाना चाहिए बीच चौराहे पे ताकि इनको पता चले कि असलियत क्या है। मेरा ये फैसला अगर मैं कार्रवाई करने लायक होता तो मैं सिर्फ उस उन बंदों को नसबंदी कर देता। या लड़कियों को भी जीने का अपना हक है, अपने तरफ रहने का हक है, ये नहीं कोई बात है अब लड़कियों की प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाते हैं, इट्स नॉट फेयर। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों की फोटो खींच के बीच चौराहे पर टांगना चाहिए, वहाँ पर लिखना चाहिए कि वो लोग जिनकी आपकी बहनों और माताओं को परेशानी, इनसे दूर रहें, उनको समाज से बाहर करें, उनको तो थूकना चाहिए उनके ऊपर, चप्पल से मारना चाहिए उनको। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं जैसे कि हमारे, उन्होंने कहा है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, छोटे कपड़े पहनेंगी तो ऐसा होगा, इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए नाइट के टाइम। सो आपका देखो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनको पॉलिटिक्स करने के कीड़े रहते हैं तो ये अपने हिसाब से एक दूसरे के ऊपर छापते रहते हैं कि हाँ भाई तुमने ये बोला, इसने ये बोला, मतलब एक दूसरे पार्टीज पे फेंकते रहते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां छोटी कपड़े पहन रहे हैं तो पहनो यार, ये आज का ट्रेंड है, ये आज का ज़माना है, हमें जिस हिसाब से रहना है हमें वैसे ही एंजॉय करने दो, अपनी उसमें कीड़ेगिरी ना करें तो ही बेहतर है। That's bullshit completely. It's my life, it's the way I want to dress up, it's the way I want to do things. It's not your thing, it's my body, it's the way I want to dress up, and if it's your mind that is dirty, it's not my fault. जैसे वो अपने बहन के लिए लड़ते हैं वैसे हमारे और जो लोग छेड़ते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बहन किसी की बेटी है। एकदम आगे बढ़ के अगर आप मर्द हो तो मर्दानगी तो दिखाओ किसी चीज़ की। अरे देश में ये ऐसे केसेस आए दिन होते जा रहे हैं, ठीक है, ये 31st वाली बात इसलिए लाइमलाइट में आएगी, वो 31st December था। It's not a short clothes, it's a shortcoming in your upbringing. So yeah, it's not our fault. तो सबसे पहले मेरा मैसेज फीमेल्स को होगा कि आप बिल्कुल डरिए मत। द वर्स्ट पार्ट इज किसके पास जाना हेल्प के लिए वो भी पता नहीं होगा। अगर आप अगर उस जगह पे मौजूद होते तो आपके क्या रिएक्शन? डेफिनेटली मेरा रिएक्शन यही होता कि अगर मेरी बहन होती तो मेरा रिएक्शन क्या होता, कि मैं दौड़ता, मैं भागता, मैं सामने वाले के सामने स्टैंड लेता और जितना हो सकता मैं अपने आप से करता। आई वुड हैव फाइट फॉर दैट। कभी सोचा है उस जगह पे अगर आपकी माँ बहन होती तो आप क्या करते थे? पॉलिटिशियन खुद को कहते हैं, इनको लॉ का मतलब पता है? यार अगर 31st आपको मनाना है तो आप लड़कियाँ छेड़ के मना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये किसी और के साथ हो रहा है कल आपके साथ भी होगा। ये इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हेल्थ का साथ देने की, कोशिश पूरी करता, मैं नहीं बनता तो कम से कम एक 100 नंबर पर डायल करके इन्फॉर्मेशन तो दे देता, खड़े खड़े तमाशा नहीं देखता। देखिए मैं तो गर्ल्स के लिए ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगी, आप दूसरों पे बिल्कुल भी डिपेंड ना रहिए, आप में खुद में इतनी वो चीज़ होनी चाहिए कि आप उन लोगों से लड़ सकें। पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए, वोट के बाद में गुम हो जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस को भी एक एक मैं दूंगी अगर वो मेरे सामने बोलेगा। कपड़े पहनने का आपका अधिकार है, आप जैसे भी पहनो, लेकिन ये बात गलत है कि तुम बोलते हो छोटे कपड़े पहनते ये चीज़ होती है। Kick them in the balls. Honestly, I feel silent spectators do a bigger crime when they just stand there and don't help the girls. So it's like really bad. और सभी ये युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी सोच बदलें और लड़कियों के प्रति रिस्पेक्ट लाएं ताकि मेरे देश की लड़कियां ऊपर बढ़ सकें, हमारा देश आगे बढ़े। कहीं ना कहीं फीमेल्स को इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, उनको इसका सामना करना चाहिए। वहां पर नहीं है जो आपको सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर है। I would say only one thing to parents and girls, live your life, you get it only once in your entire life.
this is only one time experience. You need to live it to the fullest. Do the thing you want to do. Don't give a damn what any person, like anyone who's like giving you looks. Just, you know, if like people comment on me, I comment them back. If people stare at me, I stop there and stare at them, and then they'll get back to like, oh my god, she's staring, and then they'll run away. Trust me, this happens. Stare them back and they'll run away. I just think girls should be strong and confident, and they shouldn't stop themselves because of what boys do. Okay, so our message aap se yahi hai, jab bhi aap ghar se late night bahar nikalti hain ya ghar pe lautti hain, kahin bhi jati hain, so be prepared. Aur jab bhi koi is tarike ki aapke saath mein agar koi harkat karna chahe, to ande phod do unke. Aur be prepared, okay?